हेलो गाइस, वेलकम बैक कलर्स टीवी के नए शो मंगल लक्ष्मी की। लॉन्च डेट और टाइमिंग कंफर्म हो गई है, तो किस दिन शुरू होगा कलर्स टीवी का ये नया शो, सारे डिटेल्स शेयर करेंगे इस वीडियो में। बात करें कलर्स टीवी के नए शो मंगल लक्ष्मी की, तो ये शो कलर्स कनाडा के शो भाग्य लक्ष्मी का रीमेक होने वाला है। इस शो में हमें दो बहनों की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। एक बहन का नाम मंगल होगा और दूसरी बहन का नाम लक्ष्मी होगा। मंगल की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका जो पति है उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। अब वो अपनी बहन लक्ष्मी के लिए कोई ऐसा पति तलाश कर रही है जो उसकी बहन को कम अज़ कम सम्मान दे। तो ऐसे वर की वो तलाश कर रही है। तो शो की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको बता दें, इस शो में मेन लीड्स के तौर पर दीपिका सिंह और नमन शाह हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अब फाइनली इस शो की जो लॉन्च डेट और टाइमिंग है दोनों ही कंफर्म कर दी गई हैं कलर्स टीवी के थ्रू। अगर हम बात करें इस शो की लॉन्च डेट के बारे में, तो इस शो का फर्स्ट एपिसोड 27 फरवरी 2024 को हमें कलर्स टीवी पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें इस शो के टाइम स्लॉट की, तो इस शो को 9 बजे का प्राइम टाइम स्लॉट दिया गया है और ये भी कंफर्म हो गया है और प्रोमो भी रिलीज़ कर दिया गया है इस डेट और टाइम के साथ। आपको बता दें, इस वक्त 9 बजे के टाइम स्लॉट पर हमें कलर्स टीवी का पॉपुलर शो डोरी देखने को मिल रहा है, जो एक बच्ची की स्ट्रगल पर बेस है। तो कलर्स टीवी के शो डोरी की जो टाइमिंग है वो हमें चेंज होती हुई दिखाई देगी। किस टाइम स्लॉट पर आएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पर मिलेगी। वेल, अभी तक कलर्स टीवी ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि ये शो 27 फरवरी 2024 से 9 बजे जैसे प्राइम टाइम स्लॉट पर हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शो की जो कास्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शो की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस वजह से कलर्स टीवी इसको एक अच्छा टाइम स्लॉट देना चाह रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, दीपिका सिंह काफ़ी टाइम बाद कम बैक करने वाली है, तो उनके जो फैंस हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उन्हें ये शो 27 फरवरी से 9 बजे के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलेगा। आप इस नए शो के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें।